पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लघु उद्योग प्रकोष्ठ का महानगर संयोजक नितिन गुप्ता को बनाया गया है, तो वहीं सह संयोजक राजू सरीन को बनाया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के द्वारा नितिन गुप्ता और राजू सरीन का स्वागत उनके आवास पर किया गया। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर और बुके भेंट करके नवीन दायित्व मिलने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सभी ने बारी बारी से नितिन गुप्ता का स्वागत किया, तो वहीं राजू सरीन का भी स्वागत हुआ। इस अवसर पर लघु उद्योग प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक बने नितिन गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उन पर भरोसा जताया गया है, उस पर वो हमेशा खरा उतरेंगे और पार्टी हित में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 के लक्ष्य को पाना ही हमारा पहला मकसद होगा, तो वहीं उद्योग से जुड़े लोगों को साथ लेकर चलना अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। वहीं लघु उद्योग प्रकोष्ठ के महानगर सह संयोजक बने राजू सरीन ने कहा कि महानगर संयोजक नितिन गुप्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे और भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उन पर भरोसा जताया गया है, उसे वो कभी नहीं तोड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे पार्टी का लघु उद्योग प्रकोष्ठ का महानगर संयोजक बनाया है, उस पर मैं बखूबी से और हर तरीके से पार्टी का सम्मान करते हुए जनता की सेवा करूंगा। क्या संदेश देंगे आप? लघु उद्योग में चाहे कोई एक्सपोर्टर हो या कोई भी व्यापारी हो, सबके साथ हित में कंधे से कंधा लगा के चलूँगा मैं भी, और हमारे सह संयोजक जी राजू भाई भी हमारे साथ हैं, और सभी लोग और पूरा वैश्य समाज बड़े हर्षोल्लास में है, बहुत खुशी में है। आज यहाँ पर काफ़ी मेरे संगठन वैश्य समाज के लोग भी मौजूद हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए बहुत मजबूती से अपने संगठन को चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा इस पद के लिए, और पार्टी की सेवा करेंगे। क्योंकि नितिन जी भी आपके महानगर संयोजकों के सदस्य थे, उनके साथ में भैया के मार्गदर्शन पर काम करेंगे। जैसे भैया मार्गदर्शन करेंगे हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। कोई संदेश देने का प्रयास? माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को बहुत सह धन्यवाद, पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।